ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਇਨਕਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਆਏ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ आप अगर नज़र दौड़ाएं तो ये सब जो बदलाव आया है ये क्रांतिकारी परिवर्तन ये सब 2014 के बाद है जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली। जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं यहाँ पहुँचने में 3-3 दिन लग जाया करते थे, पगडंडियों के माध्यम से लोग यहाँ पहुँचते थे, आज यहाँ आप सड़क से पहुँचते हैं। और कितनी मजबूरी और बेबसी का सामना करना पड़ता था आप अनुमान लगाइए कि 4-4 दिन लग जाते थे यहाँ के लोगों को सड़क तक पहुँचने में, चाहे वो राशन की लिए जाना हो, चाहे कोई दवा दारू के लिए अगर कोई बीमार पड़ जाए तो फिर उसकी तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। इसलिए लोग ये समझते हैं कि मोदी जी ने जिस तरह की विकास की धारा लाई है वो उसी का कारवां का हिस्सा बन करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये और बात है कि चूंकि चुनाव का समय है तो बहुत से लोग हमारे विशेषकर विपक्षी दलों के लोग आकर के, चूंकि एक बहुमुखी समाज है यहाँ पर, एक मजमूई तहजीब का एक नमूना है, यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदुओं में सब जातियाँ भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठक्कर भी हैं, राजपूत भी हैं, गद्दी भी हैं, और वो आकर के यहाँ तकसीम कर रहे हैं। और वो यहाँ पर मुसलमान को हिंदू के ख़िलाफ़ और हिंदू को मुसलमान के ख़िलाफ़ करने की जो सियासत, जो राजनीति वो पिछले 60-70 बरस करते रहे उसी को पुनः दोबारा दोहरा करके वो अपना वंशवाद फिर से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं क्योंकि मोदी जी ने, उसी की बात हो रही है, क्योंकि मोदी जी ने बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ उस तरह की राजनीति को बदलने का काम किया, एक नई संस्कृति, एक नई तहजीब पैदा की है। अगर ये आप देखिए पहाड़ों पर एक ज़माने में सिर्फ झोपड़ियाँ हुआ करती, कच्चे मकान होते थे, आज ये सारे के सारे पक्के मकान हैं, इतना सुंदर दृश्य दिखाई देता है। और कोई कह नहीं सकता कि ये पक्का मकान हिंदू का है कि मुसलमान का, कि ठाकुर का है कि ब्राह्मण का, बिना भेदभाव के। और ये भी नहीं पूछा गया कि पिछली बार किसको वोट दिया था, यह भी नहीं कहा कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। इसी तरह गैस का सिलेंडर जिस गृहिणी को आवश्यकता थी उसके पास पहुंचा, चाहे वोट उसने किसी को दिया हो, मजहब धर्म उसका कोई हो। तो एक नई तहजीब, ताकि हमारे बच्चे जब उनका जब पालन पोषण हो, उनकी तरबियत हो, तो एक नई फिजा में हो जहाँ उनके अंदर सांप्रदायिकता का जहर ना हो। लेकिन ये लोग जो विरासत में हमें दे गए और 3 पीढ़ियाँ गुजर गई आज़ादी के बाद, ये फिर से वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग अब समझ चुके हैं और हम सब कार्यकर्ता लोगों के बीच में हैं और लोगों को ये बात समझ में आई है कि हम कभी भी अपनी अगली पीढ़ी को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे इस प्रकार की घनौनी राजनीति के। लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं सर, क्या क्या देखते हैं? उनका कहना है कि अगर 3 परिवारों ने आतंकवाद को फैलाया है तो पाकिस्तान के साथ नहीं चाहिए। नहीं, वो तो जो पिछले दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं 370 के विषय को लेकर, कश्मीर के विषय को लेकर के, उससे ये प्रमाणित हो जाता है कि ये षड्यंत्र कई सालों से चल रहा है। अब तो ये गायबाना अनजाने में बात उनके मुँह से निकल गई, लेकिन आप पत्रकार ही रिपोर्ट किया करते थे, हड़ताल की कॉल हुआ करती थी इस्लामाबाद से, बाइकॉट की कॉल होती थी इस्लामाबाद से, दुकानें बंद होती थी श्रीनगर में, लोगों को खौफ में रख कर के 8-10% वोट होता। और यही लोग जो कश्मीर के ऐसे तथाकथित मुख्य धारा के राजनीतिक जिनके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े थे, ये बार बार विधायक भी बन जाते, सांसद भी बन जाते। आज देखिए ना कोई हड़ताल की कॉल है, ना कोई दुकान बंद हुई है, और खुली फिजा में मतदान हो रहा है। तो इन्हें लगता है कि हमारी जो राजनीति, राजनीतिक जो षड्यंत्र था उसका अंतिम समय आया है। फरगुदुल्ला जी कहते हैं सर कि जीतते हैं तो 370 जो है। मैंने इस विषय को लेकर के मैंने पत्रकारों से एक विनम्र निवेदन किया पहले भी है कि कुछ एक टोली बना करके इसका सर्वे करें, सिर्फ जम्मू में ना करें, सिर्फ डोडा भद्रवाह में ना करें, मनी में ना करें, श्रीनगर में जाके करें। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि श्रीनगर के आम गली कूचों में रहने वाला आम इंसान, विशेषकर युवा, कभी नहीं चाहेगा कि 370 वापस आए। वो इतना वेल इन्फॉर्म्ड है और इतना अवेकेंट है, इतना जागरूक है, और आज तो रियल टाइम मीडिया है, उसे मालूम है कि मोदी जी ने किस तरह के नए आयाम युवाओं के लिए सारे देश में उपलब्ध करवाए। वो अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहता, 3 पीढ़ियाँ और 3 दशक उसके ज़ाया हो गए। ये 370 की पैरवी वो लोग कर रहे हैं जो इसकी आड़ में अपना राजनीतिक स्वार्थ आगे बढ़ाते थे।